یا تل کنجت مارے نتن کے باروزے یا تل کنجت مارے نتن کے باروزے یا चिंता ना कर, ढूंढ लेंगे अपनी निमरत को। और ठंड रख प्रा, पर यार पूरा वैसा करेगा मैंने सोचा ना था। नेटवर्क आया तेरा चेक कर। हाँ आ गया। तो फोन मिलाना यार। हेलो, हाँ जी भाई जी। हाँ दिखेगा दोनों। अच्छा, डल ले। चलो आ रहे हैं हम लोग। डन। वाओ, पूरब देख तो कितनी अच्छी जगह है ना। अपनी शादी यहाँ करने का फैसला लेकर ना हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। I'm so happy। क्या हुआ, तू इस शादी से खुश नहीं है क्या? निम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन जितने लोगों को हमने नाराज किया है ना, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो इस जन्नत से क्या जहन्नम से भी हमें ढूंढ निकालेगा। तू मेरे भाई को नहीं जानता, थोड़े गुस्से वाला है पर अपनी बहन पर ना आज भी ना आने देगा वो। तू टेंशन मत ले। हाँ निम्मी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम दो दिन से ज्यादा यहाँ रुक नहीं सकते, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तब तक हमारे हाउसबोट में रुक जाइए। ये शिकारा राइड फ्री मेरी तरफ से, आप लोगों की शादी का गिफ्ट। अच्छा ठीक है, रुक जाएंगे तेरे हाउसबोट पर। खुश? आइए आइए सर, प्लीज आइए आइए प्लीज। वाओ, हमारे पूरे कश्मीर में सबसे अच्छी हाउसबोट मानी जाती है हमारी। मैम ये हमारा डाइनिंग है, फुल वुडन इंटीरियर है। आइए मैम। मैम ये रहा आप लोगों का कमरा। Wow, Pura, see, it's so beautiful. Darji, कहीं तो स्वागत के साथ सजा थी? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। कितनी सुंदर जगह है ना। वाकई खूबसूरत है। पता है, मेरा हमेशा से अपना हनीमून ऐसी रोमांटिक जगह पर चाहती थी।
साहब जी, मैंने एक कस्टमर ले आया साहब जी। चुप। मना किया था ना मैंने, तो क्यों कस्टमर उसको लेके आए? उस्ताद जी, वो मैंने सोचा इतने दिनों से कोई कस्टमर नहीं है तो बड़े मुश्किल से मिले ये लोग। पर वक्त गलत है, मैं कल 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम्हें तो पता है ना। फिर मुझे ये लोग यहां नहीं चाहिए, कहीं और भेज देने। सर जी, अभी तो लाया था इन्हें और नया नवीला जोड़ा है, एक रात तो रहने दीजिए, कल मैं इनको अब्दुल के यहाँ ले जाऊंगा। अरे क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, उस्ताद जी है मेरे, ये हाउसबोट इनकी है। वो थोड़ा सिर्फ आज रात, कल ये हाउसबोट खाली नहीं है, अरमान कहीं और पे आपका बंदोबस्त कर लेगा। पर लेकिन भाई, तुम आ गए, बाप की शादी कर ली थे ना। सॉरी भाई, मनी को सूझा ही नहीं, इसीलिए बिना बताए चली आई। तो बता देती ना, इतनी भागा दौड़ी तो बच जाती मेरी। भाई मैंने शर्म आ रही थी और हल्का सा डर भी तो लग रहा था। अरे डर क्यों लग रहा था पगली, भाई हूँ तेरा मैं, तेरी खुशी चाहूंगा ना हमेशा। अब जो हो गया सो हो गया, और घर चलो और सबके आशीर्वाद से धूमधाम से शादी करो। साहब साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, साहब बात सुला हो ही गई है तो आप लोग भी एक रात के लिए रह जाइए ना हाउसबोट में। हाँ मगर सिर्फ एक रात के लिए, कल से हाउसबोट खाली नहीं है। चलो ये बढ़िया हुआ, बहुत गाड़ी चला ली, अब आराम करेंगे। चलो ये भी कर लेते हैं। चलिए ये तूने अच्छा किया, वैसे भी खून खराबी में कुछ रखा नहीं। मैंने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया अभी, उनके गले का नाप लिया है। मतलब तू अपना गेम खेल, मैं अपना गेम सोच रहा तुझे सुहागरात नहीं मनानी है? तेरा भाई बगल वाले कमरे में है। तो तू डर क्यों रहा? भाई कुछ नहीं करेगा। नहीं मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन एक आदमी को एक वक्त के बाद जितना उसके दोस्त पहचानते उतना उसके घर वाले नहीं जानते। तुम जानती हो रवि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं I'm telling you. टेलिंग यू उसके मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन वो मुंह पे कुछ और दिखा रहा है। I can sense it. ओहो, बड़ी टेंशन है तने। मुझे लगता है भाई सही कह रहा था। तू ना डरपोक है। रहने, थारे से कुछ ना हो सकेगा। अच्छा? तो इधर आ मैं बात करता हूँ। मुझसे क्या होगा? कौन है?
कौन है वहां? ले मैं कौन है वहां? भड़मानस होता है। भड़मानस? भड़मानस क्या होता है? आधा भेड़िया और आधा मानस। बावड़ी पूछो क्या के? आधा भेड़िया आधा मानस होता है साहब, साल में कुछ ही दिन नजर आता है। जे जे भरद्वाज। कौन है वहां? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग ठीक है ना? पता नहीं दरवाजे पर कोई पंजे मार रहा था, कोई जानवर था, उस तरफ से भागा है। घुराने की आवाज भी आ रही है, या तो कुत्ता होगा या भड़मानस। भड़मानस? चुप कर, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अरे सेठ जी झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, भड़मानस होता है। भड़मानस? ये भड़मानस क्या होता है? आधा भेड़िया और आधा मानस। तुम बावड़ी पूछोगे आगे? आधा भेड़िया आधा मानस होता है साहब, साल में कुछ ही दिन नजर आता है। कश्मीर के बच्चे बच्चे को पता है। हम लोग बच्चे नहीं है जो डर जाएंगे। अपनी ये लोक कथाएं अपने घर पे रखो। लोक कथाएं नहीं, सच है, भड़मानस होते हैं। कुबेर की सेना के 11 यक्ष जब रावण की सेना से युद्ध करने के बजाय भाग गए और कुबेर की अलकापुरी रावण ने हथिया ली, तब कुबेर ने उन 11 यक्षों को भड़मानस में बदल जाने का श्राप दे दिया था। कहते हैं कृष्ण जी ने उन्हें 11 महीने 15 दिन इंसानों की तरह जीने का वरदान देके कुबेर के श्राप को सिर्फ 15 दिन के लिए छोड़ दिया था। कार्तिक के पहले दिन से अमावस तक ये भड़मानस श्राप के असर की वजह से शिकार करते हैं, चाहे जानवर हो या इंसान। जो सामने आया मारा गया। और कल से कार्तिक शुरू हो रहा है, और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप जंगल में न जाइए। कि पागलों वाली बातों पर विश्वास कर रहे होगे तुम लोग? मेरा कैंपिंग का प्लान था, सब चौपट कर दिया ना तुमने। हिम्मत होगा तो पता नहीं ये पूरा जरूर डर गया होगा। नहीं, मैं कोई डरा वाला नहीं हूं। हम कल कैंपिंग पे जरूर जाएंगे। समझा ना मेरा फर्ज था, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो यार। सोचा था कल का दिन, गले में जाते हुए मानसी और पूरब को कुछ हो गया, समझ ले कुछ हो गया तो किस पे नाम आए? अरे सोच तो, दिमाग लगा थोड़ा। भड़मानस पे। Thank you.
ठीक क्यों नहीं करा लेता इसे? वो करा लूंगा यार, घर जाके इतनी क्या जल्दी है। सामान निकालो, अंदर टेंट लगाएंगे और कैंपिंग करेंगे, ठीक है? गाड़ी यहाँ पे और टेंट वहाँ पे क्यों लगा रहे हो? अगली बार जहाँ गाड़ी वहाँ टेंट, ठीक है? चलो सामान निकालो आप, लेट्स गो। लकड़े लाते चल। भाई ये जगह ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। अरे समझा कितना भागेगी तू, घर से भाग के यहाँ आ गई, अब यहाँ से भागने की बात कर रही है। और मैं आ गया हूँ ना, कुछ ना आने दूंगा तुझे, ना ये जंगल से और ना वो क्या कह रहा था, वो हाउस बोट वाला, कौन सा मानस? बड़मानस। हाँ, बड़मानस से। तेरी माँ को आदि भैया, वैसे तो मुझे भाई पर पूरा भरोसा है, पर आपको क्या लगता है, भाई सच में मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? हाँ ना रे, तू फिक्र ना कर, मैं आंटी को बोल के आया हूँ जो सही सलामत घर लेके आऊंगा, ठीक है ना?
से चल रहा है ये सब? 2 साल। हम क्या कर रहे हैं? रवि से नीचे कर। अगर मेरी बहन का एक भी आंसू गिरा ना तो कहां से नीचे गिरने से पहले तेरा सर नीचे होगा। अबे तू तो इतने भी डर गया? मेरी बहन की देखभाल कैसे करेगा तू? चल लकड़ियां उठा, आजा आजा लकड़ियां उठा। चल तो था वहां पे कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ धुंध है। सर वैसे भी बहुत लकड़ियां हो गई हैं, वापस चलते हैं। चल एनिमी स्काउट कैंप में भी आग जलाने पूरब ने दिया जाता था ना भी। तो लोगों को आग लगाने की बड़ी अच्छी आदत होती है। भाई जो बोलना है खुलकर बोलो ना, ऐसे ताने मत मारो। तुम लोग बंद रखो, तेरा मामला नहीं है ना ये, अपना जबड़ा बंद रख तू, समझी ना। बस कर यार तू भी, कब तक ये मुंह फुलाए बैठेगा। और छोरी गलती तन्ने भी की है यहां ऐसे बिना बताए आके। इसके लिए आई एम रियली सॉरी भाई, मानती हूं मन में ऐसे यहां नहीं आना था, पर आदि भैया यो कतई ना मानता अगर मैं इसे कहती कि मन ने पूरब से ब्याह करना है। तो ठीक है वो क्या था भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। अरे कम जा, कितना भागेगी तू, घर से भाग के यहाँ आ गई, अब यहाँ से भागने की बात कर रही है। वो मैं आ गया हूँ ना, कुछ ना आने दूंगा तुझे, ना ये जंगल से और ना वो क्या कह रहा था, वो हाउसबोट वाला, वो कौन सा मानस, बड़मानस। हाँ, बड़मानस से। वैसे यार अगर सच में ऐसा होता हो तो इनफैक्ट रवि को भी जंगल में लकड़ियां उठाते समय कुछ दिखा था। क्यों, तेरे को भी तो दिखाया था है? तो कुछ नहीं होता, हीरे ब्रेड होगा कोई। वैसे यार अगर ऐसा जानवर हुआ तो मजा आ जाएगा ना। तुम ही जाकर देखना, मैं तो यहाँ चुप कर रहूंगी। हाँ, तो जंगल में जानवर नहीं तो क्या परियां नाचेंगी है? कुछ है वहाँ पे। आदित्य, आदि, आदित्य, कहाँ तू? आदि, आदित्य, आदि, किधर जाएं अब? वो देख, वो ट्रैक, चल। आदित्य, आदित्य
आदि आदि दे कार्तिक के पहले दिन से अमावस तक ये बड़मानस श्राप के असर की वजह से शिकार करते हैं। सोचा पहले का दिन गले में जाते हुए मानसी और पूरब को कुछ हो गया, समझ लो कुछ हो गया। तो किस पे नाम है? बड़मानस पे। अच्छा वो तूने भगवान को याद किया। क्या कर रहे रवि, पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया? वही कर रहा हूं जो मैं करने आया था। भाई ने मुझे मारने की कोशिश की। तुझे पता है ये हमें यहाँ कैंपिंग के लिए नहीं लाया था, बल्कि हमें मारकर यही जंगल में फेंकने के लिए लाया था। मैं नहीं मानती, तू झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो एक काम कर, पूछ इसे ये हमें मारने आया था या नहीं। भाई बहन मायने नहीं रखती, झूठी शान मायने रखती। मर जाएगा मार देगा लेकिन झुकेगा नहीं। अरे मैं जानता हूं इसे, मुझे पता था निमी, मुझे पता था इसे हमारी शादी कभी नहीं बचेगी। तू चल यहां से। डर जा। अरे जानवर ले जाओ उसे, चढ़ जा। पूरा सही था, मैं गलत थी। पूरा पूरा
घर नजर आ रहा है, ठीक है, भाग, भाग जल्दी। माफ कर देना नहीं मैं। Thank you.
किसी की जान लेना बहुत ही तकलीफ देह होती है प्रभु, बहुत ही तकलीफ देह। या तो ये 15 दिन ठीक कर दीजिए या मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए मुझे प्रभु।